आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं पास्टर अमित संगवाल समर्पण प्रार्थना भवन की ओर से एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आपको एक वचन में लेकर के चलना चाहता हूँ। पढ़ाओ उसका तीन आयत पढ़ी और लिखा जितने तेरी बाट जोते हैं वो कभी लज्जित ना होने पाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ किसकी बाट जोना है। परमेश्वर की बाट को जोना, किसकी बातों को किसकी ओर ताकना, हमें किस पर भरोसा रखना, हमें किस पर विश्वास रखना, हमें परमेश्वर पर रखना है। क्योंकि वचन क्या कह रहा है, वचन संहिता में भी क्या ही धन्य है वो पुरुष जो पुरुषों पर नहीं वरन परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजो, ये सच्चाई है, प्रभु का वचन हमें इस सच्चाई से बतला रहा है कि वो पुरुष धन्य है, वो व्यक्ति धन्य है, वो बहन धन्य है, वो बच्चा धन्य है, वो नौजवान धन्य है, वो बुजुर्ग धन्य है, जो पुरुषों पर नहीं, लोगों पर नहीं, संसार की बातों पर नहीं, वरन जीवते जिंदा खुदाबंद यीशु मसीह पर भरोसा रखता है। हालेलुया। हाँ मेरे अजीजो, हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर रहे होंगे आपके इन दिनों में, लेकिन मेरे अजीजो, मेरे प्रियो, इसकी कल्पना ना तो आपने की, ना किसी और व्यक्ति ने की। हालेलुया। ना तो आपने इसकी कल्पना की और ना ही किसी और व्यक्ति ने इसकी कल्पना की कि ऐसा भी एक दिन आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे बीच में, आपके और मेरे घरों के लिए इतनी बड़ी घटना घटेगी, इतना बड़ा दुख घटेगा, आपके मेरे समाज में, आपके मेरे लोगों के बीच में ऐसा सब कुछ होगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात जानिए, इस बात पर ईमान रखिए और देखिए कि मेरे प्रियो, घटना भले ही बड़ी गंभीर रही हो, घटना भले ही बड़ी दुखदायी रही हो, घटना भले ही बहुत ज्यादा मेरे प्रियो कलेश से भरी, चिंता से भरी, दुख से भरी, तंगहाली से भरी, अकाल से भरी रही हो, लेकिन उस घटना के बावजूद भी परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाला है। आपको और मुझे भूखा, हम भूखे सोए जरूर हो, मेरे प्रियो हम भूखे सोए जरूर होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, हम भूखे उठे जरूर होंगे, लेकिन भूखे सोए नहीं होंगे। हालेलुया। हम भूखे जरूर उठे होंगे, लेकिन भूखे सोए नहीं होंगे, क्योंकि आप और मेरा परमेश्वर हमें कदापि और कभी भी मेरे प्रियो हालातों में, स्थितियों और परिस्थितियों में गिरने नहीं देता। आमीन। और इसलिए जितने तेरी बाट जोते हैं, हालेलुया, वरन जितने, उसने किसी भी विशेष एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया। मुझ जैसे बैठे हो यहाँ पर, मेरा जो मैं आपको आज प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपको जो प्रभु के वचन से आज यहाँ पर आकर के मेरे प्रियो उत्साहित कर रहा हूँ, केवल उसने मेरा नाम नहीं लिया, वरन हम में से हर एक के विषय में उसने बोला है। हालेलुया। मनुष्य जाति के विषय में उसने बोला है, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए उसने बोला है। हालेलुया, हालेलुया। जितने उसे जानते हैं और जो नहीं भी जानते, उसको भी वो परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, उन सबों पर उसका सूर्य उदय होता है। हालेलुया। उन सबों पर उसकी दृष्टि होती है, उन सबों पर उनके कान खुले हुए रहते हैं कि किस दीन जन, हालेलुया, कौन उसको पुकारेगा, कौन उसकी दुहाई देगा, कौन उस पर आशा रखेगा, कौन उस पर भरोसा करेगा और कब परमेश्वर उसकी स्तुति लेगा। हालेलुया। और आज बड़े आनंद की बात है मेरे प्रियो कि आज खुदावंद यीशु मसीह के वसीले और उसके प्रेम के निमित्त, उस परमेश्वर की दया और कृपा के निमित्त, उस परमेश्वर ने आपको और मुझे ये सौभाग्य दिया है कि आज इस मुबारक घड़ी में, इस सुंदर समय में हम बैठकर उस परमेश्वर को पुकारें, उसकी बात को जो है उसकी, उस पर ईमान रखें, उसकी आशा, उस पर आशा रखें, ताकि वो परमेश्वर, हालेलुया, वो परमेश्वर हम में से हर एक को ब्लेस करे। और आज वो ब्लेसिंग्स आपको आने जा रही, लज्जित ना होने देगा। हालेलुया। लज्जित ना होने देगा मेरे प्रियो, आपको बेइज्जत ना होने देगा, आपको शर्मसार ना होने देगा। हालेलुया। आपको दलित ना बनने देगा, तुच्छ ना बनने देगा आपको मैं आपका परमेश्वर। परंतु कब, जब हम उस परमेश्वर की बाट को जोहेंगे, परंतु कब, जब हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परंतु कब, जब हम उस पर ईमान लाएंगे, परंतु कब, जब हम उस परमेश्वर के समीप मेरे प्रियो जीवन में जिएंगे। हालेलुया। सो इसीलिए मेरे प्रियो, देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ जो मत्ती की किताब में मिलता है। हालेलुया। जो मत्ती की किताब में मिलता है, और अगर आप देखेंगे मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 28, 29, 30 और 31 पद, तो बड़ा स्पष्ट कह रहा है मत्ती की किताब उसका 28, 29, 30 पद में हमने पढ़ा, और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। बड़ा ही अच्छा शब्द है, क्योंकि यहाँ पर मैं मेरे अजीजो एक व्यक्ति के विषय में बतला रहा हूँ, और वो व्यक्ति कोई मेरे प्रियो साधारण व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। परंतु एक व्यक्ति था, एक अशिक्षित व्यक्ति था, और मैं आपको बतला हूं, देखिए सुनिए क्या लिखा हुआ है इसमें। ऐसा लिखा हुआ है,
कि पत्रस ने उसको उत्तर दिया, हालेलुया। देखिए मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिस पर परमेश्वर ने सदकाल की कलीसिया को स्थिर करने का, हालेलुया, सदकाल की कलीसिया को स्थिर करने का मेरे अजीजो मेरे प्रियो वचन दिया, भविष्यवाणी की, हालेलुया। ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये मसीह यीशु के साथ रहने वाला व्यक्ति है। यीशु मसीह के वचन को मेरे प्रियो साक्षात पास में बैठकर साथ चलते हुए सुनने वाला व्यक्ति है, हालेलुया। उसके आश्चर्य कर्मों को टीवी पर, फोन पर मेरे प्रियो या दूसरों के मुख से, दूसरों के होठों से और आवाज से सुनने वाला व्यक्ति नहीं, साक्षात देखने वाला, साक्षात सुनने वाला, साथ साथ समझने वाला व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर हम एक बात को थोड़ा ध्यान देंगे, और क्या ध्यान देंगे, पत्रस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है, हालेलुया, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे, हालेलुया। यहाँ पर ये व्यक्ति हमें क्या बतला रहा है, यहाँ पर एक बात कर रहा है, ये किससे बात कर रहा है, मसीह यीशु से बात कर रहा है, यदि तू ही है तो मेरे मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे, हालेलुया। देखिए ये पहले से प्रभु के चमत्कारों को देख रहा है, प्रभु के चिन्ह और चमत्कारों को देख रहा है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी इसको मेरे प्रियो ये फिर भी मेरे प्रियो उस परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजो, लेकिन जब इसने मेरे प्रियो मेरे अजीजो उस संधे में मसीह पर विश्वास लाया, हालेलुया, उस संधे में भी इसने परमेश्वर को पुकार कहा, यदि तू ही है, हालेलुया। यहां पर वचन हमें क्या बतला रहा है, आपकी संधे से बढ़कर आपके मेरे प्रियो विचारों से बढ़कर मेरे अजीजो परमेश्वर की आशीष है और उसकी उपस्थिति मायने रखती है, हालेलुया। आपके जीवन में देखिए पत्रस हमें क्या बतला रहा है, पत्रस के जीवन से हम क्या देख रहे हैं कि ये एक असंभव बात को बोल रहा है, पानी पर चलने की बात को बोल रहा है, हालेलुया। लेकिन किससे कर रहा है, उस परमेश्वर से कर रहा है, उस यीशु मसीह से कर रहा है, जिसके विषय में ये जानता है, समझता है, सुन चुका है, देख चुका है और मेरे प्रियो जिसके साथ जीवन जी रहा है, हालेलुया। और उससे ये बात कर रहा है कि यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलने की, अपने पानी पर चलते हुए मुझे अपने पास आने की आज्ञा दे। यानी कि मेरे अजीजो मेरे प्रियो, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज हमें उस परमेश्वर को, जिस परमेश्वर के विषय में हम सुन चुके हैं, जान चुके हैं, विश्वास कर चुके हैं मेरे प्रियो, और जीवन को जी रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, यदि आप उस परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमने देखा यहाँ पर 28, 29, 30, 31 में मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ने, तब यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी, आ, और वो पानी पर चलने लगा। क्या लिखा यहाँ पर कि पत्रस ने उसको उत्तर दिया, यदि हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ, तब पत्रस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, हालेलुया, हालेलुया। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। मेरे अजीजो आज बहुत सारे लोग मेरे प्रिय प्रभु के चिन्ह और चमत्कार और प्रभु के वचन और प्रभु पर ईमान रखकर चलते तो हैं, लेकिन यहाँ की घटना में बता रही कि उसने हवा को परमेश्वर की ओर दृष्टि फेर दी, हालेलुया, परमेश्वर से दृष्टि हटा ली, परमेश्वर के प्रति विश्वास को हटा दिया, परमेश्वर के प्रति ताकने को हटा दिया, परमेश्वर के प्रति लगी आशा को हटा दिया और किसको, हालेलुया, हवा को ताकने लगा, हालेलुया। हवा की ओर देख करके, वो तेज हवा को देख करके डर गया, वो तेज तूफान को देख के डर गया और उसी समय मेरे प्रियो वो इम्पॉसिबल जो मेरे प्रियो पॉसिबल था पत्रस के लिए, किस कारण, मसीह के साथ चलने के कारण, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आप यदि मसीह की ओर ताक करके चलते हैं तो आपका इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा, आपका असंभव संभव चलेगा, लेकिन उस संभवता में यदि आप मसीह से अपनी दृष्टि को हटाकर मेरे प्रियो उन बातों की ओर दृष्टि लगा लेते हैं, उन बातों पर अपनी ताकते हैं, उन बातों पर मेरे प्रियो मनन करना शुरू कर देते हैं जिन बातों का कोई मसीह के सामने अस्तित्व नहीं है, जिन बातों की कोई सच्चाई नहीं मसीह के सामने, डेफिनेटली जैसे वो सच्चे नहीं वैसे मेरे प्रियो हम भी मेरे प्रियो सच्चाई में नहीं चल सकते, और यही कारण था कि पत्रस पानी पर चलते चलते डूबने लगा, हालेलुया, गिरने लगा, गिर वो डूबने लगा, हालेलुया।
और चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचा ले। लेकिन फिर भी मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर पतरस के समीप था, वो परमेश्वर परमेश्वर पतरस के साथ था और उसने उसको बचा लिया। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपसे स्पष्ट बातें करना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, मैं आज पतरस की कहानी, पतरस के जीवन की ये कहानी क्यों आपको बता रहा हूँ। ये पतरस के जीवन की कहानी नहीं, ये पतरस के जीवन के साथ साथ ये हमारे जीवन की भी कहानी है। हम परमेश्वर की ओर ताकते हुए चलते तो हैं, हम परमेश्वर की ओर विश्वास करके मेरे प्रियो जीवन को जी तो रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो चलते चलते हम अपनी आँखों को परमेश्वर और परमेश्वर के वचन से हटाकर, हम अपने कानों को परमेश्वर और परमेश्वर के वचन से हटाकर, हम अपनी ईमानदारी को परमेश्वर और परमेश्वर के जीवन वचन से हटाकर, हालेलुया, मेरे अजीजों, हम और बातों पर ले जाते हैं। ओ, वहां पर उसका घर कितना बड़ा हो गया है, कुड़कुड़ाहट शुरू हो जाती है। जहां पर प्रेम था वहां प्रेम खत्म हो जाता, कुड़कुड़ाहट शुरू हो जाती है, रुख बदल जाता है मेरे अजीजो। परंतु परमेश्वर को ये बदलाव, मेरे अजीजो, ये बदलाव पसंद नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा, जो अंत तक बाट जोहेगा, हालेलुया, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, हालेलुया, वही परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी होगा, वही परमेश्वर का पुत्र पुत्री कहलाएगा, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने आमीन। वही परमेश्वर के साथ मेरे अजीजो, पतरस को यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, पतरस को यहाँ डूबने की जरूरत नहीं थी। पतरस ने जब कहा, यदि तू ही है तो मुझे चलने की आज्ञा दे, और तब यीशु ने कहा आ, और वो चलने लगा, वो पानी पर चलने लगा, जो वो पानी जो पैरों के नीचे से फिसल जाता है, वो पानी जो पैरों के नीचे से गायब बह जाता है, परंतु वो चलने का रास्ता हो गया वो पानी। हालेलुया। वो खड़े होने का रास्ता बन गया, वो पानी खड़े होने का रास्ता बन गया, चलने का रास्ता बन गया, खुदा के नजदीक जाने का रास्ता बन गया मेरे अजीजो वो पानी। कब? जब यीशु मसीह आज्ञा देता है तब इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन हालातों में आपको वो भरपेट खिलाएगा, इन हालातों में, इन मुश्किलातों में, इस मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो इस बहते हुए पानी में, इस बीमारी के पानी पर भी प्रभु आपको चलने की सामर्थ देगा, आपको दौड़ने की सामर्थ देगा, आपको खड़े होने की सामर्थ देगा, आपको खुदा के नजदीक आने की सामर्थ देगा। परंतु हमें उस तूफान की ओर नहीं, उन परिस्थितियों की ओर नहीं, उन महामारियों की ओर नहीं, वरन परमेश्वर की ओर दृष्टि करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, यस मेरे अजीजो, परमेश्वर पर दृष्टि रखने की हमें जरूरत है, परमेश्वर पर हमें ताकने की जरूरत है, परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। यदि वो कहता आ, तो मेरे प्रियो, हमें तूफान पर नहीं परंतु परमेश्वर पर देखने की जरूरत है। हालेलुया। यदि वो कहता आ, तो मेरे प्रियो, हमें पानी पर नहीं, उस रास्ते पर नहीं, वरन उसके वचन पर देखने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे अजीजो, आज आपके जीवन में बहुत हालात ऐसे होंगे, आप विश्वास तो बहुत बड़ा रखते होंगे, आप ईमानदारी से तो चल रहे होंगे, लेकिन आपको मेरे अजीजो, मुझे याद आ रहा है उस झाड़ियों का, वो झाड़ियों के, वो उस बीज का रूपांतरण, वो बीज जो झाड़ियों में गिर गया, मेरे प्रियो, फला तो सही लेकिन झाड़ियों ने उसे दबा दिया। हालेलुया। और वो फल नहीं लाया, वो उपयोगी नहीं हुआ। हाँ मेरे प्रियो, वो चला तो सही, उत्पन्न तो हुआ मेरे प्रियो, लेकिन किस कारण? झाड़ियों ने उसे दबा लिया, संसारिकता ने उसे दबा लिया, अभिलाषाओं ने उसे दबा लिया। किस कारण? क्योंकि मेरे अजीजो, मेरे प्रियो, वो मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो बीज मेरे प्रियो इसलिए दब गया क्योंकि उसने संसार की ओर ताका, लोगों की ओर ताका, परिस्थितियों की ओर, हालातों की ओर ताका, और वो झाड़ियां आई उस पर हावी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और वो फल नहीं ला सका, उत्पन्न शुरू हुआ तो ये, दौड़ना तो इसने शुरू करी, दौड़ तो इसकी शुरू हुई, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ, ये सक्सेस नहीं हुआ, ये आशीषित नहीं हुआ मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, आप आशीषित होना चाहते हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ी अभिलाषा है, आप बड़े आनंद, बड़े विश्वास, बड़े भरोसे को लेकर के मेरे प्रियो प्रभु की ओर बैठे हुए हैं, उसकी ओर बढ़ना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, वचन में लिखा कि पतरस ने जैसे ही मेरे प्रियो तूफान की ओर दृष्टि की, हालेलुया, वैसे ही वो डूबने लगा। हाँ मेरे प्रियो, ये घटना हमें बतला रही है, यदि आपकी दौड़ मेरे प्रियो मसीह के साथ है, तो आप मेरे प्रियो संसारिकता और संसारिक अभिलाषाओं से जयवंत नहीं हो सकते, वरन मसीह के द्वारा ही जयवंत होंगे, मसीह में ही जयवंत होंगे। हालेलुया। और मसीह आपको जयवंत करके रहेगा, क्योंकि वो जयवंत है। वचन में लिखा है, घबराओ मत, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने मृत्यु को जीत लिया है, मैंने अंधकार को जीत लिया है, मैंने बंधनों को जीत लिया है, मैंने पाप पर विजय पा ली है। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे अच्छे जो जो ग्रंथ है वो आपको कैसे हाल है, इसलिए बहुत ही ब्लेसफुल ये मैसेज है हम सब के लिए। और इसलिए मैंने आपको कहा जितने यहोवा की ओर वरन जितने यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित। मेरे प्रियो पत्रस चलना शुरू कर दिया, इस पत्रस ने वो चल रहा था, नाव से उतरा मेरे अजीजों और वो पानी पर चल रहा था, हालेलुया। लेकिन जैसे उसने तूफान देखा, जैसे उसने मेरे प्रियो परमेश्वर से दृष्टि हटाकर इधर उधर देखा, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बुलाहट से, परमेश्वर की बुलाहट से हटा करके इधर उधर देखा, वैसे ही वो टूट गया। ये घटना हमें बतला रही मेरे जी, जो एक विश्वासी के लिए, हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखने से बड़ी कोई आशीष नहीं है, परमेश्वर पर ईमान रखने से बड़ा मेरे प्रियो कोई आनंद नहीं है, सफलता नहीं है मेरे प्रियो जीवनता नहीं है। और जब एक विश्वासी परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जब एक विश्वासी परमेश्वर पर आशा रखता है, जब एक विश्वासी परमेश्वर में बना रहता है, हाँ मेरे प्रियो, मेरे जीजो, वो पानी पर नहीं वरन समुद्रों को भी दो भाग कर निकल करके जीवन में अनंत जीवन और एक बड़ी आशीष का कारण बनता है। मूसा इस बात का गवाह है, जब उस मूसा ने सागर के एक किनारे खड़े होकर हालेलुया उस परमेश्वर की ओर ताको और उसकी दुहाई दी, तो वो सागर, वो समुद्र मेरे प्रियो, जो बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा था, दो भागों में बट गया और लोग उस रास्ते से निकलकर, मूसा और इसराइली लोग उस रास्ते से निकल परमेश्वर की आराधना करने लगे। परंतु मेरे अजीजो, मेरे प्रियो, वो इसराइल, वो मिस्र का राजा फिरौन, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता था, जो अपनी ताकत पर भरोसा रखा था, जो अपने पैसे पर, जो अपनी बुद्धि पर घमंड करता था, वही प्रजा, वही लोग मेरे प्रियो उसी समुद्र में, जिस समुद्र से इसराइली और उस पर ईमान रखने वाले लोग गुजर गए, वही लोग, वही दूसरे तरफ वही लोग जो परमेश्वर की ओर नहीं वरन पैसे, बुद्धि, संसार पर ध्यान रखते थे, वही लोग उसमें डूब कर मर गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जी, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो, हालात तो हम सबके साथ बढ़ सकते हैं, हाँ मुश्किलात तो हम सबके साथ बढ़ सकती हैं, परिस्थितियाँ तो हम सबके जीवनों में बिगड़ सकती हैं, लेकिन हमारी आशा आज किस पर है, हमारा भरोसा आज किस पर है, हमारा ताकना आज किस पर है, हमारा देखना आज किस पर है, हमारा गिड़गिड़ाना आज किसकी ओर है, हमारा मेरे प्रियो भरोसा आज किसकी ओर है, ये जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यशायाह नबी उसका 31:1, 2, 3 पद हमें बताता है, यशायाह उसका 31 पद और उसका 1-3 तक हम पढ़े तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं, हालेलुया, हाय उन पर, किन पर, जो सहायता पाने के लिए परमेश्वर की ओर नहीं वरन किसकी ओर, मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते और जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इसराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं, हालेलुया, ना यहोवा की खोज करते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो बलवानों पर, वो बुद्धिमानों पर दृष्टि करते हैं, वो धनवानों पर दृष्टि करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हाय उन पर, हालेलुया। यानी कि मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था, प्रभु सच में तेरा धन्यवाद हो, इन अंत के समय में प्रभु आज तू दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा है, आज बहुत सारे लोग प्रभु की सेवा तो कर रहे, प्रभु के पीछे तो चल रहे, लेकिन पासवानों को देखकर, संस्थाओं को देखकर, चर्चों को देखकर, हालेलुया, क्योंकि देखते हैं कि वो चर्च बहुत बड़ी है, वो पास्टर बहुत अच्छा है, हालेलुया, वो मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है, हाय उन पर जो मिस्र पर गुलामी की ओर जाते हैं, गुलाम मिस्र की ओर, मिस्र की ओर जाने का मतलब पाप में गिरते हैं, गुलामी में जाते हैं, हालेलुया, ओ मेरे प्रियो, शैतान की युक्तियों में चले जाते हैं, वो शैतान जो झूठ बोलना, जो झूठ में खुश होता है, हाँ मेरे प्रियो, हाय उस पर, जो धोखेबाजी, जो ड्रामेबाजी, आज बहुत सारे लोग इस चीज का शिकार है, बहुत सारे लोग आज इस, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे परिवार इस चीज का शिकार है मेरे अजीजों, परंतु प्रभु का वचन हमें स्पष्ट कह रहा है उन पर। और मैं क्यों आपको बता रहा हूं इन चीजों में, क्यों परमेश्वर हम पर इन बातों को खोल रहा है, क्योंकि सच में प्रियो, न्याय निकट है, ना तो घुड़सवार, ना तो बलवान काम आएंगे, ना घोड़े काम आएंगे, ना मिस्र, ना मिस्र की दौलत, ना मिस्र की ताकत काम आएगी, परंतु वचन कहता है, वचन स्पष्ट कहता, पर इसराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं।
मैंने अभी आपको बताया मेरे अजीजों, जब पतरस चिल्लाए तो तुरंत मसीह ने हाथ बढ़ाया, हालेलुया, मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसे बचा लिया। परंतु आज लोग हाहाकार कर रहे हैं, कौन सा डॉक्टर, कौन सा धनवान, कौन सा बुद्धिमान, कौन सा ज्ञानवान कह रहा है। मेरे प्रियो, आज देख रहे हैं हम इस कोरोना के जरिए, कोरोना के जरिए हमें एक सच्चाई का पता चल रहा है कि अपने अपने घर का व्यक्ति यदि मर रहा है तो मेरे प्रियो वो उसको ना तो रो पा रहा है, ना देख पा रहा है, ना उसके पास खड़ा हो पा रहा है, दूर से दूरी उसको टाटा और बाय बाय कर रहा है। हालेलुया। कहां चलेगी उसकी ताकत, कहां चला गया पैसा, कहां चलेगी उसकी डॉक्टर, कहां चला गया उसका सब कुछ। हालेलुया। परंतु वचन स्पष्ट कर रहा है, उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते और घोड़ों का आसरा करते और जो रथों पर भरोसा करते रखते हैं, क्योंकि वे बहुत हैं और सवारों पर, क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इसराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते। मेरे अजीजों, आज हमारे जीवन की मेरे प्रिय सुरक्षा के लिए, आज हमारे जीवन की उन्नति और संपन्नता और स्थिरता के लिए, मेरे प्रिय पैसा, ताकत, बुद्धि काम, ये हमारे जीवन की जरूरत और हमारे जीवन का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन की स्थिरता, सफलता और मेरे प्रियो जीवन के लिए हमारे मेरे प्रियो आपके और मेरे खोज में परमेश्वर के साथ परमेश्वर की ओर ताकने वाले हो जाए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है। परंतु हाँ, वचन क्या कह रहा है स्पष्ट सुनिए, परंतु वह भी बुद्धिमान है और दुख देगा, वह अपने वचन को ना टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनंतकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। मिस्री लोग इस पर नहीं मनुष्य ही हैं और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही हैं। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। आज यही कारण है मेरे प्रियो, लोग बाग अपने आप को बचाने के चक्कर में अपने रिश्तों को भूल गए, नहीं आते। आज वो मैं देख रहा हूँ, मेरे अजीजों, मैंने देखा बोलते सरकार ने बंद किया। लेकिन मैंने देखा, चलो सरकार ने ग्रेवयार्ड में जाने के लिए मना किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, एक घर में डेथ हो गई, उसके उसके रिश्तेदार उसके पास नहीं जाते, कैसे मरा जी कोरोना से? हाँ हाँ, हम क्या करेंगे कोरोना में, जब वहाँ जा करके वो तो कोरोना से मरा है। अरे भाई, वो मर गया, वो चला गया, लेकिन घर में जाकर लोगों को सांत्वना तो दे दो, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपने अजीजों से मिल तो लो, उनके भरो उनके साथ जाके प्रार्थना तो कर लो, उन्हें शांति के शब्द तो बोल दो, उन्हें ढांढस तो दे दो। लेकिन लोग कह रहे हैं क्या करेंगे, वो तो कोरोना से मरा, हम तो जा ही नहीं सकते, वहां बैठ ही नहीं सकते, वहां उठ ही नहीं सकते। क्योंकि मेरे अजीजों मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की नहीं, परमेश्वर के वचन की नहीं, वरन मेरे प्रियो मेरे अजीजों, आज भी संसार और संसार की बातों पर, महामारियों पर, मेरे प्रियो उस तूफान पर, उस डर पर, उस भय पर दृष्टि करे हुए हैं। हालेलुया। जिसका पर मसीह ने नाश किया, वो मसीह पर दृष्टि किए हुए नहीं है जो जीवन देने वाला है। हालेलुया। इसलिए हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए कहां जाते हैं, मिस्र में जाते हैं, उस गुलामी में जाते हैं, उस बंधन में जाते हैं, उस अंधकार में जाते हैं। हालेलुया। जहाँ वो समझते हैं झूठ बोलकर अच्छा खाने को मिलेगा, जहाँ वो समझते हैं झूठ बोलकर अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा, झूठ बोलकर अपना सोल आप गुलामी में डाल देंगे तो सोचिए मेरे अजीजो, फिर आपको नर्क से कौन बचाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजो, भी क्या थी परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कह रहा है, यहाँ पर जान जाइए मेरे प्रियो, समझ जाइए कि हमारा मददगार, हमारा सलाहकार, हमारा पालनहार, ताजनहार, सृजनहार मेरे प्रियो समाज के लोग और मिश्र की गुलामी नहीं, वरन मसीह यीशु अर्थात उसका राज्य, अर्थात उसका वचन। हालेलुया। एक वचन हम बहुत और जल्दी से पढ़ेंगे, भजन संहिता 56 उसका 11 पद, और देखिए क्या लिखा है भजन संहिता 56 के 11 पद में। और बड़ा अच्छा वचन ये मुझे लगा, और जब मैं इसको पढ़ रहा था भजन संहिता 56 के 11 पद में, और इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। मैंने किस पर भरोसा रखा, परमेश्वर पर, और मैं ना डरूंगा, मैं ना गिरूंगा, मैं हताश ना होऊंगा, क्योंकि मेरा भरोसा कोई मनुष्य, कोई धोखेबाज, कोई अंधकार और निर्बुद्धि और ज्ञानी नहीं, वरन सर्वश्रोमणी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्व दयालु और कृपालु, करुणामय और आशीषमय और ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं डिगूंगा,
मैंने बलिवचन कह रहा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा जब पानी पर चलता हुआ होऊंगा, मैं ना डरूंगा जब मुश्किलों में चलता होऊंगा, मैं ना डरूंगा जब बीमारियों में चलता हुआ होऊंगा, मैं ना डरूंगा जब कर्ज में चलता हुआ होऊंगा, मैं ना डरूंगा जब दुश्मनों के बीच चलता हुआ होऊंगा, क्योंकि मेरा भरोसा काट और पत्थर, मेरा भरोसा मेरे अजीजों, मेरा भरोसा किसी विशेष व्यक्ति, बुद्धिमान, ज्ञानवान पर नहीं है, मेरा भरोसा सर्वशक्तिमान पर है, मेरा भरोसा जीवन के स्रोत पर है, मेरा भरोसा मुक्ति दाता पर है, मेरा भरोसा शांति दाता, अनंत कर्ता, जीवन दाता पर है, इसलिए मैं ना डरूंगा। हालेलुया, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन, मुझे ये वचन मेरे दिल को पहुंच हुआ, मेरे मन को इसने आनंदित कर दिया मेरे प्रियो, और इसलिए ये आनंद मैं आपको देना चाहता हूँ मेरे प्रियो। कई बार हम मेरे प्रियो सहम जाते हैं, डर जाते हैं, मसीह के साथ चलते चलते बैकस्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पापा ने ऐसा बोल दिया, मेरे समाज में ऐसा हो गया, मेरे लोगों ने ऐसा कह दिया, मैं अब नहीं, मैं वो नहीं, ओहो अब तो मेरी ऐड नहीं आएगी। आज बहुत सारे लोग, मेरे अजी जो सच बता रहा हूँ मैं, आज बहुत सारे लोग आज जो सेवा करने वाले थे, जो प्रभु की सेवा में लगे हुए थे, आज डरे हुए, कपे हुए और बहुत ही ज्यादा चिचिताहट में लगे हुए। क्योंकि क्यों? क्योंकि उनका भरोसा प्रभु पर नहीं था, वो ताक रहे थे संस्था की ओर, ताक रहे थे लोगों की ओर, मिस्टर हेनरी की ओर ताक रहे थे, मिस्टर डिसोजा की ओर ताक रहे थे, मिस्टर आई डोंट नो, पता नहीं क्या, मैं कह नहीं सकता मेरे चीज। लेकिन मैं पिछले 10 सालों से परमेश्वर की ओर था, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। 10 सालों में मैं परमेश्वर की महिमा, एक बार मेरे परमेश्वर ने मुझे हताश और निराश नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा आनंद है, मेरी स्थिरता है, मेरी जयवंता है, और इसलिए मैं कह सकता हूँ मैं ना गिरूं। और आज मेरे प्रिय, मैं आपको हालातों में जयवंत, मुश्किलातों में जयवंत, दुखों में जयवंत, लाचारी में जयवंत, बंधन में जयवंत, अंधकार में जयवंत होने के लिए कह रहा हूं, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर, आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी है, तो आप गिरने वाले नहीं बल्कि जयवंत होने वाले, आप आशीषित होने वाले। इसलिए मेरे प्रियो, एक वचन हम और जल्दी से पढ़ेंगे, भजन संहिता का 20:7, भजन संहिता का 20:7, एक वचन हम और पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा वचन है, क्योंकि किसी को रथों का, हालेलुया, वचन क्या कह रहा है, भजन संहिता 20:7, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। भजन संहिता 20:7 क्या कह रहा है, किसी को रथों का भरोसा है तो किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे, वो नाम जो स्वर्ग में, स्वर्ग से ऊपर के स्वर्ग में, पृथ्वी लोक पर, अधोलोक पर उत्तम और सर्वोत्तम और जीवनदायक नाम है, हम वो ही नाम लेंगे, ताकि हम मृत्यु से हारने वाले नहीं पर मृत्यु पर जयवंत होकर अनंत जीवन की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, किसी को रथों पर तो किसी को घोड़ों पर भरोसा है। हालेलुया, परंतु हम तो परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। मेरे अजीजों, जो रथों और घोड़ों से, जो मेरे प्रिय नाशवान और अंधकार से कहीं बढ़कर है, आमीन, वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, वही परमेश्वर आपको हर स्थिति और परिस्थिति से निकाल सकता है। मेरे प्रियो, हमने देख लिया है आज, मेरे प्रियो हमने देखा आज, बहुत धनवान लोग घरों में घुसे हुए उपहार नहीं निकल रहे हैं, आज बहुत सारे बुद्धिमान लोग, आज बहुत सारे बलवान लोग, साइंटिस्ट लोग, मेरे प्रिय डॉक्टर्स लोग, मेरे प्रिय इंजीनियर्स लोग, मेरे प्रिय, हालेलुया, दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान लोग घरों में घुसे पड़े हैं। हालेलुया मेरे अजीजो, क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, जैसे इंसान नाश होगा उस तरह से उसकी बुद्धि जाती रहेगी, ज्ञान जाता रहेगा, ताकत जाती रहेगी, धन जाता रहेगा। हालेलुया, लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कह रहा है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। किस कारण? क्योंकि यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हाँ मेरे प्रियो, यीशु का नाम सुखदाई नाम है, यीशु का नाम जीवनदाई नाम है, यीशु का नाम मुक्तिदाता नाम है, यीशु का नाम जीवनदाता नाम है, यीशु नाम है, और वो नाम हमें उस जीवनदाई जीवन में, आनंददायी जीवन में, हालेलुया, सुखदायी जीवन में, अनंतदायी के जीवन में रखने वाला, संभालने वाला और बनाए रखने वाला परमेश्वर है।
नाम है। हालेलुया। सो इसीलिए किसी को चाहे रथों पर भरोसा, किस पर भरोसा करना है, हमें यीशु मसीह पर भरोसा करना है, उस परमेश्वर पर भरोसा करना है जो मेरे प्रियो मृत्यु से कूच कर जीवन का स्रोत बन गया। हमें उस परमेश्वर पर भरोसा करना है जो त्रिलोकी स्वामी बन गया। हमें उस परमेश्वर पर भरोसा करना है जो राजाओं का राजा कहला गया। हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है मेरे प्रियो जो हर स्थिति और परिस्थिति से निकाल कर आनंद और शांति को लेकर चलना है। आमीन। एक वचन हम और जल्दी से पढ़ेंगे, भजन संहिता 118:8। भजन संहिता 118:8 हम एक वचन और पढ़ेंगे। 118:8 में हमने यहाँ पर पढ़ा, बड़ा स्पष्ट लिखा, यहोवा की शरण लेना। देखिए, यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से क्या है, उत्तम। जो यहोवा की शरण लेते हैं, हालेलुया, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो ईश्वर, जो सच्चे परमेश्वर अर्थात जीवन दाता पर, मुक्ति दाता पर, उद्धारकर्ता परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो मेरे प्रिय धनवानों से और प्रधानों से उत्तम होते हैं। हालेलुया। उनका जीवन मेरे प्रिय हालातों और परिस्थितियों में गिरता नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, मेरे प्रियो डैनियल ने जब यहोवा पर भरोसा रखा तो मेरे प्रियो, हो मेरे जीजो, लोग तो सोच रहे थे शायद शेरों ने उसको फाड़ दिया होगा, खा लिया होगा। हालेलुया। लेकिन जब दानियल ने परमेश्वर पर भरोसा रखा तो उसके लिए वो उत्तम हो गया कि शेरों के मुंह बंद हो गए। हालेलुया। मृत्यु का रास्ता बदल गया क्योंकि दानियल का भरोसा शेर और राजा पर नहीं, राजा पर, राजा की आज्ञा पर नहीं था, धनवान पर नहीं था, बुद्धिमान पर नहीं था, ज्ञानवान पर नहीं था, विशाल सेना, विशाल ताकत, बुद्धि और विशाल और बातों पर नहीं था, वरुण सबसे बढ़कर परमेश्वर पर था। और इसलिए वो शेर जो भूखे थे, वो शेर जो फाड़ खाने के लिए तैयार थे, वो शेर जो मेरे प्रियो केवल नाश करने के लिए नियुक्त किए गए थे, वो शेर चुपचाप मुंह बांध करके दानियल के सामने खड़े हो गए क्योंकि मेरे प्रियो उसका भरोसा परमेश्वर। परंतु मेरे प्रियो प्रभु का वचन हमें बतला रहा है मेरे चीजो कि सद्रक मेशक अबेदनगो का मेरे प्रियो भरोसा उस परमेश्वर पर था, उस जिंदा परमेश्वर पर था मेरे प्रियो, जो उन्हें आग के भट्टे से निकाल लेकर के आ गया, जो उन्हें आग के भट्टे से छुड़ा करके लेकर के आ गया, जो उन्हें आग के भट्टे से मेरे प्रियो स्वतंत्र करके लाया, उस आग से, उस नाशवानता से, उस महामारी से बचा करके लाया। और मेरे प्रियो जिसके पास जीवन है, जिसके पास स्वतंत्रता है, जिसके पास आशीष है, जिसके पास स्थिरता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको कह रहा हूं, आपका भरोसा जब यीशु मसीह पर होगा, आपका ताकना जब यीशु मसीह पर होगा, भट्टे के समान दहकती हुई आग चारों तरफ आपके साथ हो सकती है लेकिन आपको जलाने वाली नहीं होगी। हालेलुया। आपका भरोसा मेरे प्रियो जब यीशु मसीह पर, उस महान परमेश्वर पर होगा, तो आपके चारों तरफ चाहे भूखे शेर के समान परिस्थितियां, लोग चारों तरफ खड़े क्यों ना हो, लेकिन आपको वो फाड़ने वाले नहीं, आपको वो खाने वाले नहीं, आपको वो नाश करने वाले नहीं, बल्कि मुंह बंद कर करके आपके सामने खड़े होने वाले हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे अजीजो, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कह रहा है, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कह रहा है, भजन संहिता 118:8, यहोवा की शरण लेनी हालेलुया मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। आज मेरे प्रियो गलती कहाँ हो रही है? गलती मैं आपको जो बार बार बतला रहा हूँ कि हम जब हालातों में जाते हैं, परिस्थितियों में जाते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से दृष्टि हटाकर हम उन पर दृष्टि करना शुरू कर देते हैं, लोगों पर दृष्टि करना शुरू कर देते हैं, समाज क्या कहेगा, हालेलुया, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे स्थिर होऊंगा इस बुखार में, कैसे चंगा हो जाऊंगा इस टीबी से, कैसे चंगा हो जाऊंगा इस कैंसर से। क्या परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा है? क्या परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा है? परमेश्वर ने तो मृत्यु को भी आपके सामने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर बदल दिया और जीवन का वायदा कर दिया, तो ये बीमारियां क्या कर, ये परिस्थितियां क्या कर सकती? इसलिए मेरे प्रियो वचन कह रहा है कि मनुष्य, यहोवा की शरण लेनी मेरे प्रियो मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य की शरण, परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से क्या है, उत्तम है। आमीन। कहता हूँ कि जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु पर ईमान किए हुए हैं, प्रभु पर भरोसा रखे हुए हैं, तो यकीन जानिए आपका परमेश्वर ना तो आपको गिरने देगा, ना चलने देगा, ना ताश होने देगा, ना लज्जित होने देगा। आपका परमेश्वर आपको मेरे लिए बचाए रखेगा, संभाले रखेगा, आशीषित करेगा और अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा।
हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 4 पद, उसका 37, 38 और 39 पद, यदि ऐसा लिखा है सुन लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया कि तुझसे बड़ी और सामर्थ्य जाति को तेरे आगे से निकाल कर तुझे उनके प्रदेश में पहुंचाए और उसे तेरा निज भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। हालेलुया। जो तुझे मिस्र से निकाल करके लाया, जो तुझे अंधकार से, बंधनों से, जो तुझे निराशा से, निर्बुद्धिता से, अज्ञानता से, मृत्यु से छुड़ा करके लाया, वो परमेश्वर जान ले। इसलिए तू जान ले, वचन क्या कह रहा है, इसलिए यह जान ले और अपने मन में सोच भी रखी ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। देखिए, आकाश और धरती का कर्ता का यदि परमेश्वर यहोवा ही, सारा अधिकार उसके पास है, सब कुछ पर वो अपनी सामर्थ्य को रखता है, तो मेरे प्रियो हमें इधर उधर ताकने से कोई लाभ नहीं होगा, सिवाय मेरे प्रियो चलते चलते गिरने के अलावा, सिवाय चलते चलते नाशवानता के अलावा, सिवाय चलते चलते बंधनों अंधकार के अलावा। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन जब परमेश्वर की ओर ताकते हैं, वचन कहता है जब तू चाहे पानी में होकर के चले तो वो डुबा ना सकेगा, आग में होकर के चले तो तुझे झुलसा ना सकेगी। हाँ मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर आपके हर हालात और परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य, आपका परमेश्वर आपकी हर दुख और पीड़ाओं से आपको निकालने की अधिकार रखता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज से हमें परिस्थितियों की ओर दृष्टि करने की जरूरत, परिस्थितियों को देखकर डरने की जरूरत, हालातों को देखकर मेरे प्रियो घबराने की जरूरत नहीं, वरन हालातों को देखते हुए भी परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। दुखों को देखते हुए भी परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। मुश्किलों पर पाते हुए देखने के भी परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वचन स्पष्ट कह रहा है कि हाँ, यहोवा तुम्हारे संग होकर के लड़ेगा, यहोवा तुझसे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। यहोवा तेरा परमेश्वर जो तुझे छुड़ा करके लाया है, वो तुझे ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, वो तेरे संग संग रहेगा, वो तेरे संग संग रहेगा। और मेरे चीजों, यदि वो परमेश्वर आज भी हमारे संग है, ये मुश्किलात हमारा कुछ नहीं कर सकते, वो पानी हमें डुबा नहीं सकता, वो आग हमें जला नहीं सकती, वो शेरों का जबड़ा हमें फाड़ नहीं सकता। हालेलुया। कहने वाली बात, शैतान और शैतान की कोई भी युक्ति और चाल मेरे प्रियो हमें नाश नहीं कर सकती। हालेलुया। परंतु हम किस पर भरोसा रखते हैं, उन मुश्किलों पर, उस समय पर, उन परिस्थितियों पर, उन लोगों पर, या उस एकमात्र जीवित परमेश्वर पर? हालेलुया। सो मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं पास्टर अमित संग्रवाल समर्पित प्रार्थना भवन एंड देहरादून की ओर से दिल से आपका शुक्रगुजार निभा देता हूँ परम पिता परमेश्वर को, कि परम प्रधान परमेश्वर की दया और कृपा के निमित्त प्रभु ने हमें फिर से ऑनलाइन के द्वारा एक मन और एक हृदय होने का सौभाग्य दिया। और विश्वास कीजिए, समर्पण प्रार्थना भवन की पूरी टीम आप लोगों के लिए, हमारे भारतवर्ष, हमारे सभी लोगों के लिए कंटिन्यू प्रार्थना में, कंटिन्यू ऑनलाइन प्रेयर में है, कंटिन्यू मेरे प्रियो फास्टिंग में भी चल रहा है। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, कि प्रभु का धन्यवाद, जितने भी हमारे परिचित लोग हैं, जितनों से भी हम बात कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनके जो शुभ समाचार हैं, आनंद के समाचार हैं, खुशी के समाचार हैं, कि प्रभु ने सब कुछ संभाले हुए हैं और मेरी आशा है कि आगे भी संभाले रखेगा। आमीन। आपके सारे मनोरथों को परमेश्वर पूरा करे, आपके घरों में, आपके बच्चों में, आपके जीवनों में बरकत और आशीष आए और प्रभु की शांति और आनंद आपके जीवन में बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि हम एक समर्पण प्रार्थना भवन, आप सब जानते हैं, फेसबुक पर भी आप हमने अपने ब्राउजर्स को अपलोड किया हुआ है और हम एक नया चर्च, एक बड़ा चर्च बनाने जा रहे हैं देहरादून के अंदर, एक बड़ी चर्च को हम बनाने जा रहे हैं। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप जब भी अपनी फास्टिंग में या प्रार्थना में बैठें, तो आप समर्पण प्रार्थना भवन के भवन को बनने में प्रभु हमारी मदद सहायता करें, क्योंकि मेरे प्रियो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 80 लाख का है और बहुत बड़ी कीमत है हमारे लिए, क्योंकि हम बिल्कुल प्रभु पर निर्भर हैं, किसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन पर हम भरोसा नहीं रखते, हम केवल परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हमारा मददगार और सलाहकार, हमें निकालने वाला और जीवंत करने वाला हमारा परमेश्वर है। और मैं फिर से कहता हूँ कि आप हमें अपनी प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में स्मरण रखें कि हमारा चर्च अति शीघ्रता से बने और प्रभु की जरूरत, प्रभु की ओर से हमारे भवन की जो जरूरत है वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी हो। और इसमें आप अपने आर्थिक सहयोग को भी, आप आर्थिक सहयोग को, सपोर्ट को भी करके हमारी मदद और
सहायता कर सकते हैं भवन के रूप में, ताकि जब वो भवन बने परमेश्वर हमें यूँ ही इस्तेमाल करें, आशीषित करें और हमारा भाग भी परमेश्वर के राज्य में उसके भवन में हो जाए। तो आप अपनी प्रार्थना और आर्थिक सहयोग के द्वारा भी आप हमें अपने प्रार्थना और सहयोग के द्वारा आप हमें प्रभु के नाम से आशीषित कर सकते हैं। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आप और आपके परिवार पर प्रभु की दया दृष्टि और कृपा बनी रहे और आप ऐसे ही खुदा में आनंदित और मगन रहें। और मैं विश्वास करता हूँ जो वचन आज बोया गया है वो आपके जीवन के लिए फलदायक होगा, हजार गुना लाख गुना फलदायक होगा और आपके जीवन को मेरे वीडियो हर स्थिति और परिस्थिति में जयवंत करेगा। खुदावंद की शांति और आनंद आप लोगों के साथ बने। धन्यवाद के साथ प्रार्थना के नाम से आमीन। सब कुछ जय।